तेगांव तहसीलदार राकेश बर्डे उनकी टीम नजदीक की किसी गांव में सीमांकन की कार्यवाही के लिए निकले थे, तभी गटलाखेड़ी रसगांव में पोकलेन मशीन से अवैध रूप से शासकीय भूमि पर उत्खनन करते देखा गया। चाराखा भूमि पर अवैध रूप से मुरुम की खुदाई करते हुए पोकलेन मशीन को देखा गया। वहीं मौके पर 3 डंफर पाए गए जिसमें मुरुम भरी जा रही थी। तहसीलदार बर्डे ने कार्रवाई करते हुए तीनों डंफर सहित पोकलेन मशीन को भी जब्त करने की कार्रवाई की है। तीनों डंफर पुलिस चौकी तथा पोकलेन मौके पर ही रखा गया है। साथ ही ड्राइवरों जानकारी ली गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि इसके पूर्व एक एक ट्रिप पहले ले जा चुके हैं। तहसीलदार ने उसी के अनुरूप मौके पर पंचनामा बनाकर खनिज विभाग को कार्यवाही सुपुर्द की है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज क्या बड़ी कार्रवाई की सर? आज फील्ड भ्रमण के दौरान शासकीय जमीन पर अवैध खुदाई करते हुए 3 डंपर और एक पोकलेन के द्वारा अवैध खुदाई करते पाए गए, जिनको जब्त कर आगामी कार्रवाई हेतु वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा। किनका डंपर था? डंपर जो है गजेंद्र नायक का बताया जा रहा है, वो धार के रहने वाले। क्या नाम लिखते सर? प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।